श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 7 दिसंबर 2022 को दत्त पूर्णिमा है, मतलब कि पूर्णिमा का व्रत है। दोस्तों, ये जो पूर्णिमा का व्रत होता है ये बहुत ही विशेष महत्व होता है और कई सारी माताएं बहनें पूर्णिमा के व्रत को धारण भी करती हैं। पर दोस्तों, पूर्णिमा का जो व्रत होता है, इस दिन अगर आप लोग चाहे व्रत रखें चाहे ना रखें, पर आपके घर में कोई भी दूध की सामग्री ज़रूर बनना चाहिए और उसका आपको भगवान को भोग लगाकर अपने घर के सभी सदस्यों से ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई खीर का एक विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, साथ ही में पूर्णिमा व्रत के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप भगवान शिव के एक उपाय को कर लेने से आपकी वह मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करा लें, तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन आप वह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो उसके लिए आप यह उपाय सिर्फ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको इस उपाय में, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक चावल का दाना, जो कि बिल्कुल पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिव जी को टूटी हुई चीज़ें समर्पित नहीं होती हैं, पूर्ण चीज़ें ही समर्पित होती हैं। उसके बाद एक बेलपत्री और एक लोटा जल, अपने घर के परिंडे से जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान से आपको एक लोटा जल भरकर तैयार कर लेना है। ये तीनों चीज़ें लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्वच्छ होकर स्नान कर शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। शिव जी के अंदर, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद 2 मिनट शिव जी के पास बैठी है, उनको निहारी है, उसके बाद इस उपाय को करना शुरू कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आप एक आखा चावल का दाना लेकर गए ना, उस एक चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। किसके ऊपर? शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले चावल का दाना समर्पित करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जो आप बेलपत्री लेकर गए हैं, उस बेलपत्री को आपको क्या करना है, उसी चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर बेलपत्री को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो आपकी तरफ हो, मतलब जो बेलपत्री की डंडी होगी वो आपकी तरफ हो। इस प्रकार से आपको जो है वो बेलपत्री को उसी चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। जब आप लोग ये बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो उस समय आपको चंद्रमौली महादेव को जो है स्मरण करना है, जो कि शिव जी का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नाम है। कौन से महादेव हैं? चंद्रमौली महादेव, ठीक है। तो चंद्रमौली भगवान का नाम के आपको स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को उस चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद एक लोटा जल आपको क्या करना है, उसी बेलपत्र के ऊपर, उसी चावल के दाने के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। अब एक लोटा जल आप लोगों ने चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसी चढ़े हुए जल को, जो शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ, मतलब जलाधारी से नीचे गिर रहा हो, उसी जल को अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखों से स्पर्श करा लो और भगवान से वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना बोल दो। और भगवान से बोल दो कि भगवान, हमारी ये मनोकामना है, बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो। अपनी तरफ से मेहनत करना, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही विशेष उपाय है, पूर्णिमा के दिन करने का है, जरूर करके देखिए। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।